हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिल्क शेक। तो हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, रूअफ़ज़ा ले लिए हैं और आइसक्रीम ले लिए हैं, और यहाँ पे अपना दूध ले लिए हैं यानी मिल्क ले लिए हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिए हैं और यहाँ पे एक बर्फ़ ले लिए हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बोल ले लेंगे जिसमें हमें हमारा मिल्क शेक बनाना है, तो उसमें एक बर्फ़ डाल लेंगे। इसके ऊपर में अपना रूअफ़ज़ा डाल लेंगे दोस्तों, एक चम्मच भर के, पूरा बड़े वाले साइज़ के चम्मच में, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके ऊपर में दूध डाल लेंगे, दूध हमने बॉईल करके रखा था, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है दोस्तों। ये वाटर जो देख सकते हैं, ये चीनी का चाचली वाला वाटर है, हमने ठंडा कर दिया, बिल्कुल फ्रिज में रख दिया था इसे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे दोस्तों। बहुत ही टेस्टी मिल्क शेक अपने घर में बना के आप पी सकते हो। इसके ऊपर में आइसक्रीम डाल दें, थोड़ा सा इसमें डालें और थोड़ा सा डालते वक्त ऊपर से डाल के पिए तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। थोड़ा भर भर के हमने यहाँ पे आइसक्रीम डाला है दोस्तों, देख सकते हो। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हमारे सारे वीडियो देखने के लिए। आपको ये मिल्क शेक का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ ड्राई फ्रूट भी इसमें डालना है तो ड्राई फ्रूट को कट करके रख देते हैं। दोस्तों बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम ग्लास में आपको सर्व करके दिखाते हैं अपना मिल्क शेक। तो इसमें आप आइसक्रीम थोड़ा बहुत डाल लेंगे, इसके ऊपर में ड्राई फ्रूट कटे हुए डाल लेंगे और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए रूअफ़ज़ा। तो बिल्कुल रेडी है मिल्क शेक। चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल समरीन किचन।